बजाज की न्यू पल्सर NS125 वर्सेस हीरो की न्यू एक्सट्रीम 125, इन दोनों बाइकों की ड्रैग रेस यहाँ पर कराने वाले। देखेंगे भाई कौन सी बाइक इस रेस को विन करके जाती है। अगर पावर स्पेक्स की बात करी जाए ना तो NS125 ज्यादा पावरफुल है, बट इसके लिए एक छोटी सी वो चीज है कि जो इसको नुकसान दे देती है वो इसका वेट। 140 केजी वेट है इसका और इसका 136 केजी वेट है, तो वेट NS125 का ज्यादा है। बट पावर स्पेक्स की बात करी जाए तो ये लगभग 12 पीएस की पावर देती है, ये लगभग 11.5 पीएस की पावर देती है, ये लगभग 11 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, ये लगभग 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। तो पावर स्पेक्स में NS125 ज्यादा पावरफुल है, बट वहीं पर ये इसको वेट का फायदा मिलेगा। तो ड्रैग रेस में ही पता लगेगा भाई आखिर में कौन सी बाइक रेस को विन करके जाएगी। और अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगती है तो अपने भाई को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 8.5% का रेशियो है, मतलब 8.5% लोग ही ओनली सब्सक्राइब करते हैं, बाकी बस वीडियो देखकर चले जाते हैं। फिर इतनी मेहनत करते हैं तो भाई अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, हमें मतलब मोटिवेशन फील होता है और हम अच्छे से मन लगाकर काम कर पाते हैं। तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर, न्यू NS125 और न्यू एक्सट्रीम 125 की ड्रैग रेस के अंदर। हम यहाँ पर दोनों बाइकों की दो अटेम्प्ट करने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक्सट्रीम चला रहा हूँ तो दूसरे अटेम्प्ट में मैं NS125 चलाऊंगा, तो मतलब सेकंड अटेम्प्ट में हम राइडर स्वैप कर लेंगे, राइडर स्विच कर लेंगे। बट देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है, क्या फर्क आता है दोनों बाइकों के अंदर। राइडर चेंज करेंगे वो अटेम्प्ट जरूर देखना, क्योंकि तभी रियल चीजें समझ में आती है। अभी एक्सट्रीम आगे आ गई है भाई, NS हल्का सा पीछे है एक्सट्रीम से। भाई एक्सट्रीम थोड़ा सा आगे निकल गई है, एक्सट्रीम ने तो जोश दिखा दिया। इसके वेट का फायदा मिल रहा है भाई इसको, इसका वेट कम है ना इस बाइक का। गियर स्विच करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन अभी पकड़ लिया है अपन ने इसको। वो भाई NS बराबर में आ गई है, देख लो वो NS आगे निकल रही है यार। भाई पावर ज्यादा है उसके अंदर, पर इतनी आसानी से पीछे नहीं रहेगी एक्सट्रीम इतनी आसानी से पीछे रह ही नहीं सकती है यार। और अब पीछे भी छोड़ दिया है, देखते हैं आगे इसको पकड़ पाती है फिर नहीं पकड़ पाती है। ज्यादा पीछे तो नहीं होगी, वो आसपास ही होगी मेरे। NS बड़ी क्विक निकली यार, तो अभी हमने NS125 को पकड़ लिया है। देखो बराबर में चल रही है दोनों बाइकें, ये मेरे बगल में आ गई है भाई। सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा बाइक पे। दोनों बाइकें बराबर में बिल्कुल, NS फिर से थोड़ा सा आगे निकलते हुए। यार कहना पड़ेगा भाई NS की परफॉर्मेंस सच में बढ़िया है, बट भाई मनु का वेट मेरे से लगभग 15-20 किलो ज़्यादा कम है, तो उसका फायदा भी NS को मिल रहा होगा। मेरा वेट मनु से ज़्यादा है तो मेरे वेट का नुकसान एक्सट्रीम को मिल रहा होगा। भाई बिल्कुल बराबर है शायद वो मेरे, लेकिन मैं देखूंगा नहीं, अगर मैं देखूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा भाई। राइडर चेंज करने के बाद देखेंगे भाई, NS सच में आगे रहती है फिर मेरे वेट से पीछे रह जाती है, राइडर चेंज करने के बाद ही समझ में आएगी। चल रही है एक्सट्रीम अभी, उसका पता नहीं है वो कितना चल रही होगी, बट इसमें 113 आ रहा है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं बना रही है NS, हम जस्ट पीछे हैं NS के। जस्ट पीछे, और ये साइड में आ गए भाई, साइड में NS बिल्कुल साइड में चल रही है हमारे। ये आ गई है भाई, बिल्कुल बराबर है मेरे, मतलब कोई खास डिफरेंस लग नहीं रहा है दोनों ही बाइक्स के बीच में, टॉप एंड में। NS फिर से आगे जा रही है, बट एक्सट्रीम आगे नहीं निकल पा रही है NS से, तो फर्स्ट राउंड में तो NS विनर बन जाती है। स्लो कर ले भाई, यहाँ से यू टर्न लेना है। तो फर्स्ट राउंड में तो भाई NS जीत गई है,
अभी सेकंड राउंड में देखते हैं भाई क्या होता है। एनएस सच में जीत जाती है फिर एनएस पीछे रह जाएगी, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है तो एनएस को उसका नुकसान तो मिलना चाहिए भाई। अभी राइडर चेंज करने का टाइम आ गया है, अब मैं चलाता हूँ एनएस 125 और मनु चलाएगा एक्सट्रीम। अब देखते हैं भाई एनएस क्या करती है। भाई शुरुआत में तो एक्सट्रीम आगे निकल गई है, बट देखते हैं अभी एनएस के ऊपर दाब पड़ रहा है, अभी समझ में आ रहा है एनएस को, तब बड़ी जल्दी आगे निकली थी। भाई वही सेम स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे आ गई एक्सट्रीम। अभी एक्सट्रीम हमसे आगे है, बट देखते हैं कितनी देर तक रह पाती है। एनएस आगे निकलती है फिर नहीं निकलती है, और अभी तक भी आ गई है भाई, हम अभी तक कैच नहीं कर पाए वो अपने को। मुझे मुश्किल लग रहा है एनएस का, मुझे लग रहा है कि दोनों बाइक की परफॉर्मेंस सेम है, बस वो वेट का फायदा मिल रहा था एनएस को जब वो आगे निकल गई थी। अब आ गया है भाई, अब आ गया है, ये आ गया, आ नहीं गया अब तो निकल गया वो। नहीं यार अभी एनएस हल्का हल्का सा आगे निकल रही है, एक्सट्रीम हल्का हल्का सा पीछे गई है, बट देखते हैं कब तक आगे निकलती है एनएस। एक्सट्रीम बीच में निकलेगी आगे जहां तक मेरे को लग रहा है। ले यार इसका लिमिटर आ गया भाई, ये क्या अभी 115 चल रही थी वो देखो, अरे बराबर में नहीं है क्या, मेरे को लगा बराबर में है। 118 चली गई थी भाई, अभी 118 चली गई थी, लेकिन अभी लिमिटर सा हिट कर रहा है इसको यार। 115 पर चल रही है भाई एनएस, 115 एक्सट्रीम अभी तक बराबर में नहीं आई है, इसका लिमिटर आ रहा है भाई, लिमिटर आ रहा है। वो हल्का सा ही गैप है दोनों के बीच में, पर लिमिटर आ रहा है इसका। क्या यार अगर अब एक्सट्रीम आगे निकली तो फिर एनएस हार जाएगी भाई, लिमिटर हिट करता है इसका 118 पे जाते ही। 119 चली गई थी भाई, 119 चली गई थी, अभी क्या कर रही है आज एक्सट्रीम, खतरनाक टक्कर है भाई दोनों बाइक्स की यार। मीटर में थोड़ा सा एरर तो है आई थिंक से, पूछेंगे भाई वो कितना टॉप गई थी, ये एक बार 119 गई है आपके सामने। 113 पर चल रही है अभी, 113 मिलीमीटर आ रहा है यार, बैक मार रही है बैक, बट फिर भी एक्सट्रीम अभी तक तो पास में नहीं आ पाई है भाई। परफॉर्मेंस हाँ थोड़ी बेटर है एनएस की, अभी उसका पता नहीं वो कितने पर चल रही होगी, बट कहीं ना कहीं अभी तक एनएस आगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, इतनी सी स्पीड पर लिमिटर आ रहा है फिर भी आगे बनी हुई है। अब पता नहीं एक्सट्रीम कितने पे चल रही होगी, पकड़ दिया है, लेकिन अब रेस एंड करनी पड़ेगी, सामने वो आ गया है, टोल आ गया है। टॉप एंड के ऊपर एनएस 125 ज़्यादा बेस्ट करती है, बट इनिशियल में एक्सट्रीम थोड़ा बेटर कर जाती है, हो सकता है वेट का एडवांटेज उस बाइक को मिल रहा हो इस वजह से ऐसा कर रही हो।
तो किसी भी वजह से कर रही हो, बट इनिशियल एक्सट्रीम का अच्छा है और टॉप एंड एनएस 125 का अच्छा है। तो टॉप एंड के अंदर तो भाई पल्सर अब भी आगे है यार एक्सट्रीम से, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना ज़्यादा वेट लेने के बाद भी, इतना ज़्यादा वेट कैरी करने के बाद भी, और 115 के ऊपर लिमिटर आ रहा है, कभी कभी तो 113 लिमिटर आ रहा है, उसके बावजूद ये बाइक आगे थी, ये बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए मेरे को पल्सर बहुत पसंद है। खैर बचपन से पल्सर को देखते आया हूँ तो थोड़ा सा इमोशंस भी जुड़े होते हैं पल्सर नाम के साथ। अब वो बाइक कैसी बनाती है वो तो बजाज पर डिपेंड करता है, बट इस नाम के साथ थोड़ी इमोशंस रहते हैं बहुत लोगों के हैं तो। बट अच्छा किया एनएस ने और अपडेटेड फीचर्स हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई का 8.5% वाला सब्सक्राइबर रेशियो बढ़वा दो भाई। इतने लोग बस वीडियो देखकर चले जाते हैं भाई, क्या होता है यार, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें भी मतलब अच्छा लगेगा, तो बस इसलिए बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है यार, आप जैसा करो। और इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना अगर अच्छा लगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर यार, मस्त रहो और खुश रहो यार।